आउट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स अभी तक हम सिर्फ क्या सीख रहे थे कि कौन सा आपका ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है यहाँ हम क्या करेंगे उनकी सबक्रेक्शन उनकी एडिशन प्रोडक्ट आप नेक्स्ट वाले उसमें सीखोगे इस इस वाले आप इसमें सिर्फ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे एडिटिव इन्वर्स और वो आप वैसे तो आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपका सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव रेशन नंबर हो जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव सो so, वो बहुत ईजी नाउ कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट इज़ फाइव बाई फोर प्लस माइनस इलेवन बाई फोर सेम आपको यहाँ भी रैशन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर होगा दोनों का उसका क्या लेना है आपको एलसीएम सो so, इन इसमें आपका क्या है एलसीएम तो ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी सेम है आप क्या कर सकते हो डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो और आप उनका एलसीएम लेके भी कर सकते हो मैं दोनों मेथड से आपको सिखा दूँगी सो नाउ अब इनका तो ऑलरेडी सेम है तो कुछ भी नहीं करना हमें सीधा आप फोर कीजिए डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो एडिशन का भी आपका सेम ही रहेगा सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करना है नाउ फाइव प्लस माइनस इलेवन ओके अब फाइव प्लस माइनस इलेवन आपको पता है आपने जो इंटीजर्स का चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से सीखा है कि जब भी हमें ये ब्रैकेट में ऐसे दो साइन मिलते हैं तो दोनों अगर आपके ओपोजिट हैं तो दोनों को हटा के आप क्या लगाओगे नेगेटिव चाहे आपका बाहर नेगेटिव हो अंदर पॉजिटिव हो ओपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव अब आपकी यही वाली सेम ब्रैकेट वहाँ नजर आ रही है तो हम क्या करेंगे इसको इसको रिमूव करेंगे इस वाले साइन को और ये क्या बन जाएगा विच इज इक्वल टू फाइव माइनस इलेवन बाय फोर फाइव माइनस इलेवन इज आपको पता है जो इलेवन है उसमें से फाइव माइनस करेंगे लेकिन साइन किसका आएगा जो आपका बड़ाई वाला है फाइव माइनस इलेवन इज माइनस सिक्स बाय फोर ओके आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं Understood? नाउ इन नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले इनका अलग अलग का डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं वो कैसे देखिए ये हुआ आपका माइनस सिक्स बाय फोर नाउ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका फर्स्ट मैथड है और इसको थ्री से हम यही करते हैं इन दोनों का एल्सियम क्या आएगा फाइव और थ्री का फिफ्टीन हमें फिफ्टीन बनाना है दोनों के डिनोमिनेटर को ये फिफ्टीन कब बनेगा जब इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये कब बनेगा जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाउ ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टीन प्लस नाइन बाई फिफ्टीन अब तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया अब तो हम डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रख लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे एड ओके विच इज इक्वल टू थर्टी फोर ये आपका फर्स्ट मेथड था नेक्स्ट यही यही सम करते हैं हम दूसरे वाले मेथड से हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई अलग से नहीं करेंगे बल्कि सीधा क्या करेंगे नेक्स्ट सेकंड मेथड से इसको कैसे करेंगे कि हम नीचे पहले इनका एल्सियम रख लेते हैं वो क्या है फिफ्टीन फाइव और थ्री का एल्सियम फिफ्टीन अब आपको स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखने हैं वैसे आपने शायद पहले भी किया है कि जो डिनोमिनेटर है उससे इसको क्या करेंगे डिवाइड डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे नाउ थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन आंसर फाइव आया उस फाइव को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ ट्वेंटी फाइव प्लस साइन है तो प्लस माइनस साइन होता तो माइनस अब इस फाइव से डिवाइड कीजिए फिफ्टीन को थ्री सो so इस उस जो थ्री आया है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज नाइन नाउ इट बिकम्स थर्टी फोर बाई अभी अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप अभी थोड़े से बच्चे हो तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं नहीं तो हम नेक्स्ट क्लासेस में हमेशा ही ये वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं ये मेथड हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे एक्चुअल में ये सेम है लेकिन फिर भी ये एक स्टेप इसने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ये वाला स्टेप हम ये वाला स्टेप सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ से थ्री फाइव ज फिफ्टीन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव ओके वैसे तो ये सेम है आपका मन करे आप वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये आपका बेस्ट रहेगा नाउ थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट को हम इसी वाले मेथड से करेंगे जो अभी किया था टेन और फिफ्टीन इनका एलसीएम कितना आएगा थर्टी आप एलसीएम तो आपको निकालना आता है आप क्या करते हो फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते हो So, 10 और 15 का आपका 30 आया अब इस 10 से डिवाइड कीजिए 30 को आंसर कितना आएगा 3। जो आंसर आया उससे यहाँ मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी प्लस साइन है तो प्लस अभी 15 से 15 से डिवाइड कीजिए 30 को 2। 15 टू 30 आंसर कितना आया 2। सो so, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 22 टू टू फोर अंडरस्टूड नाउ फोर्टी में से ट्वेंटी माइनस कीजिए इट बिकम्स फिफ्टीन क्या दिस इज ओके स्टूडेंट्स सो थ्री माइनस सेवनटीन बाई थर्टी इज द सम ऑफ दिस रेशन नंबर नाउ अब जो नेक्स्ट यही वाला मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं सभी में जो नेक्स्ट होगा फोर पार्ट उसमें देखिए आप न्योमिनेटर भी नेगेटिव है डिनोमिनेटर भी हमने डिनोमिनेटर को नेगेटिव रखना ही नहीं है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे अब पहले तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर भेज देते हैं ऊपर तो ऑलरेडी है तो दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्चुअल में ये क्या होता है माइनस थ्री बाई माइनस इलेवन आपने इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स थ्री बाई इलेवन एक्चुअल प्रोसीजर है ये लेकिन सीधा सीधा हम दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं ओके सो नाउ आपका थ्री बाई इलेवन प्लस फाइव बाई नाइन हमने क्या करना है एल्सियम लेना है इलेवन एंड नाइन का एलसीएम नाइनटी नाइन नाउ इलेवन को इलेवन से डिवाइड कीजिए आंसर आएगा नाइन सो नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन से डिवाइड कीजिए इलेवन इलेवन की मल्टीप्लाई फाइव के साथ इलेवन फाइव जिफ्टी फाइव नाव फाइव सेवन ज ट्वेल्व एंड फाइव टू सेवन सेवन प्लस वन एट

प्लस साइन है तो प्लस 571 इज 571 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ माइनस 2 व्हिच इज अगेन माइनस 24 एंड माइनस 2 इज माइनस 26 बाय 57 ओके नाउ दिस इज सो इजी जीरो आप किसी भी नंबर में चाहे नेचुरल नंबर में ऐड करो नेचुरल नंबर में आंसर सेम रहेगा आपका सो माइनस 2 बाय 3 ओके नाउ इट बिकम्स पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इट इज़ माइनस सेवन बाई थ्री फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाय फाइव ओके अब हम क्या करते हैं एल्सियम लेते हैं फाइव और थ्री का एल्सियम कितना आएगा फिफ्टीन नाउ थ्री फाइव जॉ फिफ्टीन फाइव की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस थर्टी प्लस फाइव थ्री थ्री की मल्टीप्लाई इसके साथ थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जो सिक्स ओके नाउ नाइन माइनस फाइव इज फोर एंड सिक्स माइनस थ्री इज थ्री बड़ा आपका सिक्सटी थ्री है तो साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा विच बिकम्स माइनस थर्टी फोर बाई फिफ्टीन सो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट नाउ स्टूडेंट्स मीट इन आउ नेक्स्ट वीडियो विथ सेकंड क्वेश्चन हैव नाइस डे.